नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पे हम आपको बताते हैं कि वशीकरण किस तरह किया जाए दर्शकों आपने सुना होगा लौंग से वशीकरण होता है तुलसी के पत्ते से वशीकरण होता है क्या आपने कभी ये सुना है कि आप अपनी नाभि से किसी का वशीकरण कर सकते हैं नहीं सुना सुनने में अटपटा सा लगता है लेकिन ये सच है और ऐसी ही सरल विधि सटीक विधि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आप अपनी नाभि से और एक मंत्र के माध्यम से जी हां नाभि एक मंत्र के माध्यम से आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि, कि किस तरह आप अपनी नाभि के माध्यम से किसी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपकी नियत साफ हो ये साफ हो कि आप सच में उस व्यक्ति से प्यार करते हैं आपकी मंशा सही हो क्योंकि सही मंशा से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है हमेशा सार्थक होता है लेकिन जब कोई कार्य आप गलत मंशा से करते हैं ना तो वो कभी भी सिद्ध नहीं होता और सिद्ध भी होता है तो एक बुरे परिणाम के साथ तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो इसलिए कोई भी कार्य तभी कीजिए जब आपकी नियत साफ हो जब आपकी मंशा सही हो क्योंकि सही मंशा नेक नियत से किया गया कार्य भगवान भी उसमें उसका साथ देता है और वो कार्य सिद्ध हो जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूं कि किस तरह नाभि के माध्यम से किस तरह आप किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं तो दर्शकों आपको करना क्या है आपको बेड पर सीधा लेट जाना है जी हाँ उसके बाद उस इंसान का चेहरा अपने मन में सोचना है तो आपको इस तरह उसके बारे में सोचना है कि जब आप अपनी आंखें बंद करें तो उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए उसके बाद इस तरह आपको अपनी नाभी पर हाथ रखना है और उसके बाद आपको एक मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका सात बार उच्चारण करना है और वो मंत्र है ओम नमो कामेश्वरी नमा वश्यम करु ओम नमो कामेश्वरी नमा वश्यम करो इस तरह सात बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है उसके बाद सात बार आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आपको वश में करना है जैसे ही आप ये प्रक्रिया लगातार तीन दिन करेंगे चौथे दिन वो व्यक्ति आपका जी हां यह आजमाई भी प्रक्रिया है जी हाँ ये जो प्रक्रिया है वो कई लोगों ने आजमाई है और इसका जो रिजल्ट आया है वो हमेशा ही पॉजिटिव आया है हमेशा ही ये कहा गया है कि आपकी ये जो प्रक्रिया है ये जो नाभि का नुस्खा है जो नाभि की वशीकरण की तरीका है ये तरीका सार्थक सिद्ध होता है तो आपसे भी अगर आपके कोई अपने रूट गए हैं तो इस तरीके को इस विधि को अपनाइए और अपने अपनों को अपने पास ले आइए ताकि आपके बीच कोई मतभेद ना रहे कोई दूरियां ना रहे और आप एक खुशनुमा जिंदगी जी सके तो दर्शकों फिलहाल दीजिए इजाजत लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है इस विधि से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं आपके मन में किसी वशीकरण को लेकर कोई मंशा है अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई मंशा है तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कॉल कर, कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप ये जान सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं कि आपका वशीकरण सार्थक नहीं हो रहा जी हाँ अगर आपका कोई वशीकरण आप कर रहे हैं और वो सार्थक नहीं हो रहा तो उसका कोई कारण होता है और वो कारण तब होता है जब आप उसका जो वशीकरण है उस करने के तरीके में कोई ना कोई गलती कोई ना कोई चूक हुई हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि चूक नहीं करनी है उसी प्रकार से करना है जिस तरह से बताया जाए कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसे ही लेट कर बताया नहीं हम तो बैठे हैं तो बैठ कर कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है लेकिन फर्क पड़ता है जी हाँ तो जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से आपको वशीकरण करना है उसी तरीके से सही तरीके से करेंगे तभी परिणाम सही आएगा तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक नए तरीके के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह और तरीकों से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों